पिछली एक सदी में स्पेस डिस्कवरीज एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है, जिन्होंने 1905 में अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करके लोगों के अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर ने इस स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक और नए लेवल पर पहुंचा दिया। इस कोल्ड वॉर की वजह से हमें स्पेस की दुनिया में कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल चीजें देखने को मिली। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको स्पेस की दुनिया के 5 सबसे बड़े मोमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस। अंतरिक्ष में आज रोज ही कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च होती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी के ऑर्बिट में एक भी सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश अंतरिक्ष का सहारा लेकर अपनी सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे थे। आज भले ही स्पेस इंडस्ट्री में अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी सबसे आगे हो, लेकिन उस समय सोवियत यूनियन ही स्पेस इंडस्ट्री को रूल किया करता था। इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी 4 अक्टूबर 1957 को, जब सोवियत यूनियन ने पहली बार अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। यह पहली बार था जब इंसानों ने अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को भेजा था, और यहीं से स्पेस एज की शुरुआत हुई थी। उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1, और यह सोवियत यूनियन द्वारा लिए जाने वाले कुछ बहुत अहम कदमों में से एक था। स्पुतनिक एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट थी और इसका डायमीटर मात्र 23 इंच था। यह पृथ्वी की सतह से 215 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर इसका चक्कर लगाती थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इस अंतरिक्ष और पृथ्वी को बांटने वाली रेखा को वैज्ञानिक कार्मन लाइन के नाम से बुलाते हैं। यह वह सीमा होती है जहां पर एक हवाई जहाज को एरोडायनामिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और वह हवा में मौजूद पार्टिकल्स के जरिए उड़ान नहीं भर पाता। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना है तो आप हमारे कार्बन लाइन से जुड़े डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्पुतनिक द्वारा सेंड किए जाने वाले रेडियो सिग्नल्स की मदद से वैज्ञानिक पहली बार पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए थे। यह जानकारी सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसके जरिए वे अंतरिक्ष में ऐसे स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकते थे जो सिर्फ पृथ्वी की कक्षा में ही ना रहे बल्कि उससे बाहर भी जा सके। 83 किलो की इस सैटेलाइट की रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी और यह पृथ्वी का एक चक्कर करीबन 96 मिनट में कंप्लीट कर लिया करती थी। इस सैटेलाइट ने लॉन्च होने के बाद दुनिया भर के हर रेडियो ऑपरेटर को एक छोटा सा रेडियो सिग्नल भेजा था। यह एक बीप के जैसे सुनाई देने वाला सिग्नल था जो आज भी हिस्टोरिकल रूप से हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। पृथ्वी को करीब 3 महीने तक ऑर्बिट करने के बाद फाइनली 4 जनवरी 1958 को इस सैटेलाइट ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पृथ्वी में री एंट्री लेते समय यह घर्षण की वजह से जलकर खत्म हो गए। भले ही यह सैटेलाइट आज हमारे पास मौजूद ना हो, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत आसानी से देखा जा सकता है। सोवियत यूनियन के स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू करने की वजह से ही अमेरिका भी बहुत तेजी से स्पेस की दुनिया में आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन करने में इन दोनों देशों की रेस लग गई और अंतरिक्ष में होने वाली रिसर्च स्टडी एंड डिस्कवरीज में हमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। नंबर 4, फर्स्ट मैन इन स्पेस। 1957 में पहली स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद सोवियत यूनियन ने 1961 में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया। इस बार वह किसी आर्टिफिशियल चीज को नहीं बल्कि एक असली इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाले थे। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया शॉक में थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी ने भी नहीं किया था। उस समय तक अंतरिक्ष दुनिया के ज्यादातर लोगों के बीच चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था, लेकिन इस घटना ने उन्हें स्पेस के बारे में स्टडी एंड रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए यूरी गैगरिन नाम के एक इंसान को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। यह कोई मामूली इंसान नहीं थे बल्कि यह सोवियत यूनियन की एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट मिलिट्री पायलट थे। यूरी को मामूली मिलिट्री विमान उड़ाने से लेकर फाइटर विमान तक उड़ाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस था और यही कारण है कि उन्हें वोस्टोक 1 मिशन के लिए चूज किया गया था। अंतरिक्ष में जाना भले ही सुनने में बहुत आसान लगे, लेकिन ऐसा करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बहुत टू मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यूरी गैगरिन को सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट फैमिलियराइजेशन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्हें वोस्टोक 1 के अंदर लंबे समय तक रहना था। उस समय वह स्पेसक्राफ्ट को हैंडल करने और उसके सिस्टम्स एंड फंक्शंस को समझने का काम कर रहे थे। इसके बाद उन्हें सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्हें तेज रफ्तार से ट्रैवल करने और लॉन्च
और रीएंट्री के दौरान होने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सामना करना सिखाया गया था। यह ट्रेनिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसके बिना एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट की टफ कंडीशंस का सामना नहीं कर पाएंगे। इस ट्रेनिंग के साथ साथ यूरी गैगरिन को पैराशूट ट्रेनिंग भी दी गई थी। यह पहला ऐसा मिशन था जिसमें किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था और यही कारण है कि आज की तरह उस समय अंतरिक्ष से वापस आने के सेफ तरीके नहीं हुआ करते थे। यूरी को वापस पृथ्वी पर लैंड करने के लिए पैराशूट का सहारा लेना था और इसीलिए उन्हें पैराशूट को ऑपरेट करने और उसे लैंड होने की ट्रेनिंग दी गई थी। फाइनली 12 अप्रैल 1961 को उनका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च होता है और वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। लॉन्च होने से कुछ ही देर पहले उन्होंने पहिया खली शब्द को जोर से चिल्लाया था। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है लेट्स गो। इससे पता चलता है कि वह अंतरिक्ष में जाने के लिए कितने उत्सुक थे। यूरी गैगरिन ने अंतरिक्ष में करीब 1 घंटे 29 मिनट का समय बिताया और वे अपने स्पेसक्राफ्ट के जरिए 327 किलोमीटर की मैक्सिमम एल्टीट्यूड को हासिल कर पाए। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि साइंस की भाषा में हाई को एल्टीट्यूड कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरी ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहते हुए 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार को भी हासिल किया था। फ्लाइट के समय उन्होंने वेटलेसनेस के बारे में भी मेंशन किया था। इसके अलावा अंतरिक्ष से वापस आने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने अंतरिक्ष से दिखने वाली पृथ्वी की खूबसूरती के बारे में भी बताया था। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से इंसानों को पता चल चुका था कि अब पृथ्वी उनके लिए एक पिंजरा नहीं है बल्कि वे इससे भी बाहर जाकर अंतरिक्ष के अलग अलग स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 3, द फर्स्ट मैन्ड लूनर लैंडिंग। 1961 में यूरी गैगरिन के अंतरिक्ष में जाने के बाद अमेरिका भी कुछ ऐसा ही या फिर इससे भी बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स के उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने पब्लिक में एक स्पीच देते समय यह अनाउंस किया था कि वह 1960 के दशक के अंत तक इंसानों को चांद पर भेज देंगे। यह एक बहुत ही बड़ा और अविश्वसनीय वादा था जिसे पूरा करने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों और इंजीनियर को दिन रात एक करके मेहनत करनी थी। फाइनली सालों की मेहनत के बाद 16 जुलाई 1969 की तारीख को पृथ्वी से 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद के लिए रवाना होते हैं। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंसानों के चांद पर जाने के बाद वहां क्या क्या देखने और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अंतरिक्ष में करीब 4 दिन बीतने के बाद एस्ट्रोनॉट फाइनली चांद पर लैंड होने के लिए रेडी हो गए। मिशन के अनुसार मात्र 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतरना था और 1 एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट में रहकर स्पेसक्राफ्ट के दूसरे हिस्से को संभाल रहा था। अमेरिकन पूर्वी डेलाइट टाइम के अनुसार शाम 4:17 पर अमेरिका का ईगल लूनर लैंडिंग मॉड्यूल चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल कर रहे थे जो कुछ ही घंटे बाद इतिहास के सबसे फेमस इंसानों में से एक बनने वाले थे। स्पेसक्राफ्ट लैंड होने के करीब 6 घंटे बाद रात 10:56 पर नील आर्मस्ट्रांग ईगल से बाहर निकलते हैं। वह चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखते हैं और बोलते हैं, That's one small step for man, one giant leap for mankind। यानी यह एक आदमी के लिए मात्र एक छोटा सा कदम है लेकिन यही कदम इंसानी सभ्यता की एक बहुत बड़ी छलांग है। नील आर्मस्ट्रांग ने इस सेंटेंस को बोलने में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक की थी जो उनके मुताबिक नर्वसनेस की वजह से हुई थी। नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ उनके साथी बज अल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे थे। यह दोनों ही ईगल से बाहर निकलने के बाद करीब 2 घंटे तक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय कर रहे थे और चांद की सतह के सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर बहुत सारी तस्वीरें भी कैप्चर की जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने सारी कामों को कम्प्लीट करने के बाद यह दोनों एस्ट्रोनॉट वापस से ईगल स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के ऑर्बिट में पहुंच गए और वहां पर इन्होंने अपने साथी एस्ट्रोनॉट को ज्वाइन किया। माइकल कॉलिंस इस मिशन के 3rd एस्ट्रोनॉट थे जो चांद का चक्कर लगाते हुए कमांड मॉड्यूल को संभाल रहे थे। यह नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन के मुकाबले बहुत कम फेमस हैं, लेकिन इनके योगदान के बिना इंसानों का चांद से वापस आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इस पूरी लैंडिंग को लाइव टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था और ये एक बहुत ही डरावना और इंटरेस्टिंग मोमेंट था। पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि चांद पर किसी दूसरी तरह के जीव रहते होंगे जिस वजह से इंसानों को वहां पर जाना उनके लिए थोड़ा डरावना था। चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने और वहां से वापस आने के बाद लोगों को यह विश्वास होने लगा कि चांद मात्र एक नॉर्मल स्पेस रॉक है जहां कोई भी नहीं रहता। इंसानों का चांद पर लैंड होना स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से एक है और यह बात बिना किसी डाउट के कही जा सकती है। अपनी पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर लैंड करना एक बहुत ही मुश्किल बात है।
लेकिन रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने इस चीज को भी पॉसिबल बना दिया। नंबर 2, लॉन्च ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप। 20वीं सदी में इंसानों और सैटेलाइट्स के अंतरिक्ष में जाने के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ये था एक विशाल टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को पूरी तरीके से बदलने वाला था। साल 1990 में 24 अप्रैल की तारीख को हबल नाम के एक स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाता है। इसका नाम एक वैज्ञानिक एडविन हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रह्मांड से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी। एडविन हबल ने यह बताया था कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है। यह डिस्कवरी पूरे विज्ञान जगत के लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि हम ब्रह्मांड के कोने तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हबल ने अपने टेलीस्कोप के जरिए दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और पाया कि वह रेड लाइट को रिलीज कर रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि किसी भी दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट के रेड लाइट को रिलीज करने का मतलब है कि वह हमसे दूर जा रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको दूर जाती हुई गाड़ी की साउंड धीमी होती हुई सुनाई देती है। जब साउंड की इंटेंसिटी कम होती है तो वह हमें धीमे सुनाई देने लगता है। वैसे ही जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो वह हमें लाल रंग की दिखाई देने लगती है। आगे चलकर हबल टेलीस्कोप ने भी इस डिस्कवरी को कन्फर्म किया और डार्क एनर्जी जैसी मिस्टीरियस चीज से वैज्ञानिकों को वाकिफ कराया। ये तो सब जानते थे कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि आखिर इसको फैलाने के पीछे किसका हाथ है। हबल द्वारा की गई रिसर्च और वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में एक मिस्टीरियस तरह की एनर्जी मौजूद है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है और इसकी वजह से ही हमारा ब्रह्मांड इतनी तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और यह उस समय पृथ्वी की सतह से करीब 547 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसके लॉन्च होने के बाद वैज्ञानिकों को टेलीस्कोप के मिरर में एक बहुत बड़ी गलती नजर आई थी। इस गलती की वजह से हबल क्लियर तस्वीरें कैप्चर नहीं कर पा रहा था, लेकिन 1993 में एक सर्विसिंग मिशन को प्लान किया गया, जिसमें टेलीस्कोप के मिरर को बिल्कुल करेक्ट कर दिया गया और तब से ही यह बिल्कुल साफ और डिटेल्ड तस्वीरें कैप्चर करने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस टेलीस्कोप की सर्विस की जाती है, जिससे इसकी क्वालिटी अपग्रेड होती है और यह पहले से भी बेहतर तस्वीरें कैप्चर करने के काबिल हो जाता है। इन्हीं सर्विसिंग मिशंस की मदद से हबल की ऑपरेशनल लाइफ को भी बढ़ाया जाता है, ताकि यह लंबे समय तक काम कर पाए। हबल टेलीस्कोप ने अभी तक बहुत सारी खूबसूरत और अविश्वसनीय तस्वीरें खींची हैं। इन सभी तस्वीरों को देखने के लिए आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तस्वीरों के अलावा इसने वैज्ञानिकों को विभिन्न तरह की रिसर्च करने में भी मदद की है, जैसे ब्रह्मांड की सटीक उम्र को कैलकुलेट करना और गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल्स का पता लगाना। हबल टेलीस्कोप को काम करते हुए 3 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यह हमें नई नई तस्वीरें भेजता रहता है। लेकिन अब हबल को एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप ने रिप्लेस कर दिया है, जिसका नाम है द जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसकी मदद से वैज्ञानिक और भी ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड तस्वीरें कैप्चर कर पा रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों में आप क्लियर रूप से देख सकते हैं कि जेम्स वेब हबल के मुकाबले कितना ज्यादा पावरफुल है और यह तस्वीरों को हबल के मुकाबले कितनी ज्यादा डिटेल में खींचता है। नंबर 1, फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। 21 जून 2004 को स्केल्ड कंपोजिट्स ऑफ महावी नाम की कंपनी ने स्पेसशिप 1 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बनाया। इस कंपनी के फाउंडर अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिजाइनर बर्ट रूटिन थे। इस स्पेसक्राफ्ट की खास बात ये थी कि यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे प्राइवेटली अंतरिक्ष तक ले जाया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट को अमेरिकन पायलट माइक मेलविल ने उड़ाया था और वह इसे पृथ्वी की बाउंड्री को पार करके अंतरिक्ष तक ले गए थे। ऐसा करने के बाद वह पहले कमर्शियल एस्ट्रोनॉट पायलट भी बन गए थे। यह चीज सुनने में जितनी ज्यादा आसान लगती है, असल में यह उतनी ही ज्यादा कठिन है। पृथ्वी की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट को एरोप्लेनिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, यानी उस पॉइंट पर जाने के बाद कोई भी एयरक्राफ्ट हवा की मदद लेकर नहीं उड़ सकता। वहाँ से ऊपर उड़ान भरने के लिए एयरक्राफ्ट को थ्रस्टिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें वह ईंधन का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स को रिलीज करता है जो उसे आगे की ओर धक्का देते हैं। ऐसे किसी भी काम को बिना किसी स्पेस एजेंसी की मदद लिए करना बहुत कठिन बात है, लेकिन माइक मेलविल ने यह कर दिखाया। इस स्पेसक्राफ्ट के उड़ान भरने के मात्र 2 साल पहले ही स्पेसएक्स कंपनी की भी शुरुआत हुई थी। इसके फाउंडर एलन मस्क हैं।
यह भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो चीजों को अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है। इसके बाद से हमें बहुत सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज देखने को मिलने लगी और यह ओवरऑल स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत खुशी की बात थी। इससे पहले अंतरिक्ष में जाना सिर्फ सरकार के ही कंट्रोल में रहता था, लेकिन अब प्राइवेट लोग भी इस फील्ड में एंट्री लेकर अपनी नई नई इनोवेशन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लू ओरिजिन एंड वर्जिन गैलेक्टिक नाम की प्राइवेट स्पेस कंपनीज अब अंतरिक्ष का टूर भी ऑफर करने लगी हैं। यानी जिस तरह अभी आप गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के यहाँ जाते थे, वैसे ही आप टिकट लेकर अब अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। हालांकि इस टिकट की प्राइस करीब 82 लाख रुपए के आसपास होती है, जो एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे जैसे स्पेशल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और स्पेस टूरिज्म में इनोवेशन होगी, वैसे वैसे यह प्राइस भी कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाना भी एक आम बात हो जाएगी और इसे मीडियम इनकम वाले लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसा होने में कितना समय लगेगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।